हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के लिए अच्छी अच्छी किचन टिप्स लेके आई हूँ, जिसे फॉलो करके आप लाखों रुपए बचा सकते हो। साथ ही साथ घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। समय और पैसे की तो बचत होगी ही, साथ ही साथ आपके धन में भी बरकत होगी। तो इस सारी किचन टिप्स को जरूर देखिएगा, बहुत ही न्यू किचन टिप्स है, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद आ जाने पर एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, चावल को अच्छी तरह से 4-5 पानी से बढ़िया से धो लिया है, क्योंकि चावल पॉलिश रहते हैं केमिकल से, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी धोने का काम करते हो तो अपने पास कोई भी बड़ा बर्तन रखिए, उसमें सारे पानी को आप सेव कीजिए, सब्जी वगैरह, फल, चावल, जो भी दाल सब, उसका पानी स्टोर करके होगा ये कि एक तो आपका पानी स्टोर रहेगा, और इस पानी को आप अगर आगे पीछे पौधे वगैरह सब लगाए हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, जिससे होगा कि आपकी जो पौधे हैं उसका ग्रोथ अच्छा होगा, कीड़े वगैरह सब नहीं लगेंगे। ये एकदम 100% आप कीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% मिलेगा, बहुत ही उपयोगी है। और साथ साथ पानी की, कई लीटर पानी की हम बचत कर लेंगे, पानी का यूज़ भी हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे पानी खोल रहा है, चावल बनाने के लिए खोल रहा है। तसली के चावल की स्वाद ही कुछ और होती है, आप कितना भी कुकर वगैरह सब में बनाइए वो स्वाद नहीं आता है जो आप तसली या टोकना में बनाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हो वही धोया हुआ चावल है। तो धन की बरकत ऐसे होगी कि जब भी आप चावल बनाओ तो ये जो हमारा पुराना ट्रिक है इसको कहीं ना कहीं लोग भूल गए हैं, जब भी हम बनाएं तो ऐसे करके आप ज़रूर करने के बाद ऐसे डालिए, उसके बाद चावल डालिए। इससे क्या होगा, आपका जो किचन में अन्नपूर्णा माँ की बरकत है वो कभी भी कम नहीं होगी। ये प्रोसेस करने के बाद आप ज़रूर चावल बनाएं, इस ट्रिक से आपका हमेशा किचन अन्न धन से भरा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो सबके घरों में रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कपूर है दोस्तों। तो कपूर में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भर भर के रहते हैं। इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल इतनी सुगंधित होती है कि इससे कीड़े मकोड़े, जो भी छोटे कॉकरोच वगैरह सब होती है, गंदी स्मेल को अच्छी तरह से ये साफ कर देता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी ये दूर भगा देता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो करना कुछ नहीं है, इसका 2 से 3 पीस आप इस पेपर में फोल्ड कर लीजिए और इसको एक गोला बना लीजिए पेपर को। दोस्तों कपूर देके इस तरह से रैप कर लिया है, अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है इसको। और ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज कई दिनों तक साफ नहीं करने की वजह से इसमें क्या होती है, एक अजीब सा स्मेल आता है, साथ ही साथ जगह जगह पे छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं। तो इसको उस गंदी वाली स्मेल से मुक्त करने के लिए दोस्तों आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। कपूर देके ही आप अगर इसको ऐसे रखोगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों इस रैक पे आप इस तरह से रख दीजिए तो आपकी जो भी गंदी स्मेल आती है, कॉकरोच, छोटे कीड़े मकोड़े सब होते हैं, चींटी वगैरह सब होती है, तो कपूर की सहायता से और पेपर, न्यूज़पेपर की सहायता से ये सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत कारगर उपाय है, एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाभ ही लाभ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों कई प्रकार के दर्द दांतों में होते हैं, और जब ये दांतों में दर्द होते हैं दोस्तों कहीं भी, तो फिर ये बहुत ज़्यादा अधिक पीरा काढ़ी हो जाता है। तो इसी के लिए हम 5 से 6 टिप्स आपको घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिससे आपको अर्ली इस दांत के दर्द से छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कपूर है, ये बहुत ही एंटीबैक्टीरियल होते हैं, इसमें बहुत सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत ही लाभकारी होती है दांत के छोटे मोटे पेन वगैरह और कीड़े को मारने के लिए। तो आप इसका एक पीस दांत में जरूर रखिए। उसके बाद 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे गर्म पानी है, गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के गुनगुना पानी में 4-5 बार कुल्ला कर लीजिए, देखिए आपको पेन से मुक्ति मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे हींग है, तो आप हींग को थोड़ा सा हींग ले लीजिए और इसमें आधा लेमन का रस गाड़ दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसको अच्छी तरह से रुई में लगा के दोस्तों, जहाँ आपका दर्द हो रहा है यहाँ पे रुई में लगा के थोड़ा सा मिलाने के बाद आप उस जगह जहाँ आपको बहुत पीड़ा हो रही है वहाँ पे लगा के रख दीजिए 5 मिनट तक, तो इससे भी आपका जो दांत का पेन है उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लौंग है, लौंग का तेल दांतों के दर्द से छुटकारा दिला देता है। लौंग का तेल बहुत ही हेल्दी होता है, दांतों के दर्द के लिए बेनिफिट होता है। अगर लौंग का तेल आपके पास घर में नहीं है तो आप ये, यहाँ पे लौंग है दोस्तों, लौंग में भी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं दोस्तों। तो इसका फूल वाला जो लौंग है उसको आप ऐसे ही साबुत जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे आप रख दीजिए, उसके बाद आप गर्म पानी में सेंधा नमक दे के कुल्ला करके हटा लीजिए। इस तरह से लौंग का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपके दांत के पेन में राहत मिलेगी दोस्तों। अगर आपके पास लौंग का तेल है तो आप लौंग के तेल को दोस्तों रुई में डाल के भिंगा के जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा दीजिए, तो आपको क्विक इस पेन से छुटकारा मिल जाएगा। तो छोटी छोटी घरेलू टिप्स है दोस्तों, घरेलू नुस्खे हैं, किचन में पड़े सामान इन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इस सब घरेलू उपचार से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, काफी हद तक फायदा मिलेगा और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ दोस्तों
यहाँ पे अगर कुछ ना मिले तो आप सेंधा नमक ले लीजिए, उसमें 5 से 6 ड्रॉप सरसों ऑयल का डाल दीजिए, और उसके बाद जहाँ आपको दांत में पेन हो रहा है उंगली पे लगा के आप रगड़ लीजिए, उसके बाद रहने दीजिए 5 मिनट मुंह खुला करके, जिस साइड दर्द हो रहा है उस साइड छोड़ दीजिए, वो लार गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा, उसके बाद आप गर्म पानी में सेंधा नमक दे के कुल्ला कर लीजिए, तो काफी हद तक आपको पेन से मुक्ति मिलेगा। साथ ही साथ लहसुन तो सबके घर में रहता ही है दोस्तों, लहसुन का छिलका निकाल के लहसुन का पेस्ट आप जहां दर्द हो रहा है वहां पे लगा दीजिए, बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि लहसुन में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल मेडिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं जो हमें कई सारी पेन तकलीफों से मुक्ति देती है। तो दोस्तों बहुत ही घरेलू छोटी छोटी टिप्स है, इसको फॉलो करके आप कई सारे परेशानी और तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। मेरा पर्सनल का ये एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था आज से 5 से 6 साल पहले, तो इन्हीं सारी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया और अभी 5-6 साल हो गया मेरे दांतों में एक भी जगह पेन नहीं होता है और मैं इजिली आराम से रह रही हूँ दोस्तों। तो बहुत ही आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है, आप ज़रूर इसे अपनाएं, आपको काफ़ी हद तक पेन से छुटकारा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों किचन में काम करते वक्त, चाहे वो सब्जी काटते वक्त हो, कितना भी आप साफ सुथरा या नीट क्लीन से या फिर कितना भी आप हिसाब से काम करें, तो क्या होता है सब्जी काटते वक्त और रोटी, जब हम रोटी बनाते हैं जहाँ गैस है वहाँ पे, उस जगह में जब हम काम करते हैं तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गंदा लग जाता है दोस्तों। तो बहुत एक छोटी सी टिप्स है, आप न्यूज़पेपर सबके घरों में आता है, आप न्यूज़पेपर लगा दीजिए, उसके बाद आप ये रख के और उसके बाद सब्जी काटिए दोस्तों, तो देखिए आपका जो थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा भी जो काटते समय पीस आ जाएगा, तो आप आराम से इजिली उसको इस्तेमाल कर सकते हो सब्जी में उठा के, क्योंकि नीचे तो गिरा नहीं, पेपर है साफ सुथरा, फिर उसको आप सब्जी में भी ले सकते हो। रोटी बनने के बाद पेपर को उठा के जो भी गंदा वगैरह सब आटा रहेगा उसको आप गाय के चारे वाले बर्तन में डाल दीजिएगा, या फिर जहाँ पानी रहता है वहाँ दे दोगे, पानी से धो दोगे तो आराम से चला जाएगा, नीचे फ्लश साफ करने का आपको परेशानी नहीं रहेगा दोस्तों, एकदम साफा सुफा वो एरिया रहेगा, जिसके कारण होगा क्या आटा वगैरह सब नहीं गिरेगा, तो चींटी वगैरह कॉकरोच जो होते हैं वो सब भी नहीं आएंगे, गर्मी में तो चींटी आ जाते हैं, थोड़ा सा भी अनाज गिर जाए तो। इस तरह आप रख के खाना वगैरह सब बना सकते हो, उसके बाद इजिली जब पूरा काम खत्म हो जाए तो इस पेपर को फोल्ड करके झाड़ के आराम से डब्बे में रख सकते हो किचन में, उसके बाद जब आप काम करोगे तो यही ट्रिक अपना सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही लाभकारी ये टिप्स है दोस्तों, ये खाली बोतल है, इस टिप्स के लिए आप कैसे भी बोतल ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी इतना साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी ले रही हूँ दोस्तों, इतना ले रही हूँ कि मेरा हाथ इसमें आराम से गुनगुना पानी है, और इसको हम इसमें इस बोतल में फिलअप कर देंगे, ये देखिए, ज़्यादा ना ठंडा लेना है ना ज़्यादा गर्म, अदरवाइज क्या होगा कि बोतल कभी कभी क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इतना लेना है कि आपका इजिली हाथ डूब सके। तो दोस्तों अब इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। आप समटाइम्स क्या होता है कि हमारे गलत खान पान की वजह से, या फिर कभी कुछ ऊपर नीचे खा लेते हैं, या कुछ हो जाता है, कुछ परेशानी हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाता है, कुछ अन टाइम हम खाना खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का पेरू जो है, हमारे साइड जो हमारा पेरू है उस साइड कभी गैस से बहुत पेन वगैरह होता है, फूल जाता है, बहुत दर्द देता है दोस्तों। पे आप क्या करोगे, ये बोतल को हल्का हल्का धीरे धीरे आप उस पेरू के भाग में जहाँ आपका पेन हो रहा है हल्का सा उसको रोल करोगे, थोड़ा थोड़ा हल्का सा हिलाओगे, आपको उस परेशानी से निजात मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी ये ट्रिक है, हमारी माता जी को कभी कभी पेरू में हो जाता है, क्योंकि वो अधिकतर खाली पेट रहती हैं, पूजा वगैरह उपवास करती हैं, तो ये हो जाता है, तो इस ट्रिक से उनको थोड़ी सी काफ़ी हद तक राहत मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनको पेन फ्री हो जाती हैं। तो ये बहुत छोटी सी सरल टिप्स है, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी दोस्तों। दोस्तों कभी भी मार्केट से हम सामान सब लाते हैं तो उसको डब्बा सब में या फिर बर्तन सब में सामान इजिली, आटा वगैरह हुआ, दाल चावल सब हुआ, तो कहीं भी आप ये पेपर को बिछा लीजिए, जहाँ ये काम कर रहे हो पेपर बिछा लीजिए, उसके बाद आप फिलअप कीजिए, तो एक दो दाना जो कहीं भी गिरा रहेगा फिलअप करते समय सामान को आप इजिली उठा सकते हो, फ्लश पे फैला नहीं रहेगा, जिसे उठाने में घंटों लग जाता है दोस्तों, तो वो काफ़ी दिक्कत का काम होता है। इस ट्रिक से आप करोगे ना पेपर बिछा के, तो आपका चुटकियों में काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं किचन में दाल को ऐसे ही नहीं रखती हूँ, तो जब भी कभी दाल आता है तो उस, जैसे कि अरहर दाल हुआ, मूंग दाल हुआ, खोइचे वाली मूंग दाल हुई, कुर्थी की दाल, तो इन सारे दालों को, कुर्थी की दाल, राहर की दाल, मूंग की दाल, खोइचे वाली मूंग की दाल हुई, इसको आप ना रोस्ट कर लीजिएगा, ड्राई रोस्ट करके आप रखोगे ना तो ये काफ़ी समय तक बिना
झाला वगैरह, पिल्लू वगैरह, सब सूरा वगैरह जब हो जाता है वो नहीं लगेगा दोस्तों, और ये लंबे समय तक स्टोर रहेगा। और इससे क्या होगा कि आपको अलग से दाल भुनने की, जब दाल बनाते हो रेगुलर तो भुनने की आवश्यकता नहीं होगी, भुना हुआ रहेगा तो चटपट से आप ये दाल बनाओगे, इंस्टेंट बन जाएगी। और इस तरह से भून के रखने से इस दाल का जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत बढ़िया आता है दोस्तों। तो दोस्तों दाल अच्छी तरह से रोस्ट हो गई थी, इसको ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद ही आप पोलोथीन में इसको अच्छी तरह से बांध लीजिएगा। आप इस तरह से दाल बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगी दोस्तों। इस तरह से पोलोथीन में बांध के डब्बे में रख दीजिएगा, एयर कंटेनर डब्बे या जार में, तो आपका सालों साल इस तरह से दाल कितना भी खरीद के लाए स्टोर करके आप रख सकते हो। दोस्तों ये लेमन का छिलका है, मैं लेमन के छिलकों को फेंकती नहीं हूँ, स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। फ्रिज में स्टोर करके रखने से क्या होता है कि दोस्तों इसका जो छिलका है फ्रेश रहता है, तब मैं इसका रूम फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि लेमन जो है बहुत ही मेडिकल प्रॉपर्टी से भरे हुए हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें, ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जो गंदी स्मेल बदबू वगैरह सब होता है उसको एकदम क्लीन कर देता है। तो इसको स्टोर करके रखती हूँ। और फिर मैं कैसे यूज़ करती हूँ दोस्तों, गैस पर इस तरह से अलग पलट करके पका लीजिएगा, थोड़ा सा ही पकाना है, इसको पूरी तरह से जलाना नहीं है दोस्तों। और पकाने के बाद ये जहाँ कीड़े मकोड़े सब रहते हैं पलंग के अंदर, रूम में जो गंदी स्मेल सब आती है, आप रूम फ्रेशनर के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऐसे थोड़ा सा आप पका दीजिए, इसकी सुगंध इतनी अच्छी आती है दोस्तों। ये देखिए हो गया है, और इसको आराम से ऐसे करके आप रख लीजिए, और कहीं भी अपने बेड के नीचे कहीं भी आप इसको रखोगे ना, तो जो गंदी मैला वगैरह सब आता है, सेंट का गंदा स्मेल आता है दोस्तों, वो ट्रस्ट में नहीं आएगा। इसकी खुशबू, इसकी खटास से जो गंदी बदबू है वो भाग जाएगी। और कीड़े मकोड़े बिस्तर के अंदर रख देंगे तो चूहे वगैरह सब, जो छोटे कॉकरोच वगैरह सब रहते हैं वो नहीं आते हैं। साथ ही साथ इस छिलके को आप नहाने से पहले चेहरे पे रगड़ लोगे तो चेहरे का जो डेड स्किन है वो भी निकल जाता है। तो अब से आप छिलकों को फेंकिएगा मत, स्टोर करके रखिएगा, और इस तरह से रूम फ्रेशनर के रूप में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। काफ़ी हद तक आपको गंदी स्मेल से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अगली टिप्स कपड़े के आयरन को लेके है। एक कपड़े का आयरन का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि लाइट वगैरह सब ना रहे, तो जल्दीबाजी में आप कपड़े को फोल्ड करके बिस्तर के नीचे रख के उस पर हैवी चीज दे दीजिए तो एकदम आयरन की तरह आपका कपड़ा लगेगा। तो दोस्तों दूसरी टिप्स है कि आप कांच का बोतल लीजिएगा और पानी इतना सुसुम लीजिएगा कि आपका बोतल फूटे नहीं, लेकिन गर्म पानी आप कांच के बोतल में ही लीजिएगा। प्लास्टिक के बोतल में लेने से क्या होगा, प्लास्टिक का शेप बिगड़ जाता है हॉट वाटर देने से। तो ये देखिए मैंने ऐसी सीसी ली है, आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा केचप वगैरह सबका बोतल बहुत बड़ा होता है तो ये ज़्यादा फायदा करेगा, लेकिन इसमें कागज लगा हुआ था इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है। और ये सीसी भी काफ़ी बड़ी है, अच्छी है, तो इसमें गर्म पानी ले लिया है जितना कपड़ा हमारा आयरन हो जाए। अगर समटाइम्स लाइट वगैरह ना रहे और आपको ये ट्रिक्स बैचलर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बहुत लाभकारी है, उनको कहीं जाना हो अर्जेंटली, तो आप इस तरह से गर्म पानी बोतल में फिलअप कर लीजिए। दो तरफ आप अच्छे से कपड़े को एकदम झटक लीजिएगा सुखा के लाने के बाद, और उसको उसके बाद जैसे आप आयरन करते हो ना इस्त्री से, उसी तरह से आप बोतल को रोल कीजिएगा। चारों तरफ आप अच्छी तरह से रोल करेंगे ना तो आपका क्या होगा पता नहीं चलेगा कि आपने इसको कपड़े को आयरन से आयरन किया है या फिर बोतल से। इतना अच्छी तरह से आपका ये जो कपड़ा है आयरन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और ख़ासकर बैचलर के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। तो दोस्तों ये बकेट है, मैं बाथरूम आ गई हूँ। बाथरूम और लेटरिन को इंस्टेंट साफ़ करने का, जो एक मिनट में ही आपका कीड़े गंदी बदबू से राहत मिल जाए, नहाते समय आप ये काम कर लीजिएगा इंस्टेंटली है। कुछ रगड़ना नहीं, कुछ माँजना नहीं, बस पानी आपको छिटकना है और बदबू कॉकरेज वगैरह गंदी जो बदबू है उसे छुटकारा पाना है। एक ही मिनट का ये काम है। तो दोस्तों बकेट के सामने ये डेटरॉल है, आप देख सकते हो इस डेटरॉल से हम लगभग आधा ढक्कन हम इसमें डेटरॉल डाल लेते हैं दोस्तों। डेटरॉल सभी के घरों में रहता है। तो ये देखिए दोस्तों आधा ढक्कन मैंने डेटरॉल ले लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसमें और थोड़ा सा हम कुछ मिलाएंगे। यहाँ पे एक बकेट गर्म पानी है, इसको डेटरॉल वाले बकेट में हम उझल लेते हैं। दोस्तों इसमें गर्म पानी डाल दिया है, नहाते वक्त आप इंस्टेंटली इस वर्क को कर सकते हो, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। और कोने कोने तक आप इस तरह से पानी फैला दोगे ना लेटरिन बाथरूम में, तो आपका ना इंस्टेंटली जो है बाथरूम और लेटरिन का क्लीन वॉश हो जाएगा, गंदगी बदबू स्मेल सब नहीं आएगा। और जहाँ ये पाइप है वहाँ पे भी डाल दीजिएगा तो अंदर पाइप तक साफ हो जाएगा दोस्तों। दीवार सब में भी इस तरह से आप पानी डाल दोगे तो आपका चारों तरफ से साफा हो जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा लेटरिन बाथरूम। आप लेटरिन में भी इस तरह से डाल सकते हो तो लेटरिन भी आपका एकदम साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। वीक में आप ये डेली कर सकते हो, कोई ज़्यादा खर्चा या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, उल्टा आपको बेनिफिट ही मिलेगा। एकदम गंदी बदबू से आप छुटकारा पा जाओगे और कोई भीड़ भी नहीं है। आई होप दोस्तों आज की जितनी भी किचन टिप्स है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट
वाली होगी, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, समय पैसे की बचत होगी, साथ ही साथ धन की बरकत भी होगी दोस्तों। तो मिलती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सारे किचन टिप्स अच्छे लगे होंगे। एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी और यूजफुल टिप्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।